नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा। और आज की जो खबर है वह भगवान विष्णु के विवाह की है। भगवान के शालिग्राम रूप की आज पूजा की जाती है और उनका विवाह तुलसी माता से किया जाता है। इस संबंध में कथा भी प्रचलित है कि जब वृंदा के रूप में माता तुलसी थी तो अपने पति जो कि राक्षस थे उनकी लिए पूजा पाठ करती थी, लेकिन देवता उनसे जीत नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने उनके पति का रूप धर के उनके पास पहुँचे और उनका सती व्रत खंडित किया, जिसकी वजह से भगवान को श्राप दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। और इसके बाद वो स्वयं वृंदा राख में तब्दील हो गई और उस राख से एक पौधा पैदा हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। और भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी होगा और बिना तुलसी के मैं किसी प्रकार का भोग नहीं ग्रहण करूँगा। तो ये एक सार में कथा प्रचलित है। आज के दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे देव एकादशी कहते हैं। और आज के बाद सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में आज भगवान वेंकटेश मंदिर परिसर में भगवान की बारात निकाली गई और उनका शालिग्राम रूप में विवाह तुलसी माता से किया गया। इस दौरान कई भक्त मौजूद रहे और पूरा मंदिर में धार्मिक रूप से पूरा माहौल बना रहा। कार्यक्रम कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा देव उठनी एकादशी को यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार जैसे सामाजिक हम सबका विवाह होता है, ठीक उसी तरह से भगवान का भी विवाह ठीक उसी पद्धति से शालिग्राम भगवान का और तुलसी जी का विवाह प्रतिवर्ष यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। आज के आयोजन में पहले तो सुबह से भगवान का अभिषेक होता है, महा स्नान हुआ, उसके बाद विशेष भगवान का भोग हुआ, उसके बाद समस्त भक्तों के द्वारा यहाँ पर विधिवत तैयारी की जाती है। और एक जैसे विवाह में सामाजिक व्यवस्थाओं में हम सब समस्त तैयारियाँ करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ तैयारी होती है और तैयारी के उपरांत ही भगवान शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह भक्तों के सहयोग से और वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न होता है। क्या नाम है? शुभ नाम आपका? श्रीनिवासाचार्य। Govinda Govinda Krishna Govinda 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 Gov